Hello everyone, I am Dr. Manu Raj Sharma, Assistant Professor in Geography at L.M. Mithila University, Darbhanga. Today we are going to study about the proportional circles. हम आज जानेंगे कि proportional circles या जिसको हम सरल हिंदी में कहें कि अनुपात वृत्त क्या चीज है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और कैसे इसको बना सकते हैं, इसको बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूटिलिटी है और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और इस पे नई टेक्निक्स क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोपोर्शनल सर्किल्स क्या चीज है। तो प्रोपोर्शनल सर्किल या अनुपात वृत्त हम कहें, ठीक है, तो ये एक ऐसे वृत्त है या ऐसे सर्किल है जो कि हम क्या करते हैं इसका प्रयोग कि एक क्षेत्र के अंदर में किसी मिलने वाली खास प्रकार की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। दैट इज दे आर यूज फॉर शोइंग ए क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसी एक राष्ट्र की जनसंख्या हो सकती है, किसी एक खास क्षेत्र के अंदर मिलने वाले कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, वहां मिलने वाला कोई इम्पोर्टेंट रिसोर्स जैसे कि आयरन ओर हो सकता है, ठीक है, या किसी प्रकार की भी जो जनसंख्या है या जिसमें संख्या इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और क्या खास चीज है कि इस सर्किल को जो बनाया जाता है तो इस सर्किल का जो आकार है, जो साइज है, वो क्या करता है, वो सिनोनिमस है उसके टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने से। तात्पर्य ये चीज है कि अगर संख्या अधिक है तो सर्किल का साइज बड़ा होगा, उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, और अगर संख्या हमारी कम है तो उसका क्षेत्रफल या उसका एरिया जो है वो हमें थोड़ा कम दिखेगा। अब ये चीज क्या है कि उस सर्किल के अंदर में भी हमारे कई सेगमेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं दरभंगा की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक सर्किल के माध्यम से, ठीक है, तो जनसंख्या दरभंगा की मान लीजिए अगर 100 है, ठीक है, और उसमें पुरुषों की संख्या 60 है, महिलाओं की 40 है, तो एक सर्किल को क्या करूंगा, मैं एक सर्किल का साइज निर्धारित करूंगा और ये कहूंगा कि ये दरभंगा की जनसंख्या को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा है, और उसके अंदर उस सर्किल को दो भाग में भी मैं बांट सकता हूँ सेगमेंट्स के अंदर में, जो कि हमारा मेल और फीमेल का हो सकता है, जो 60 और 40 का अनुपात को शो करेगा, ठीक है। मुख्य बात क्या चीज है कि साइज ऑफ दिस सर्किल जो है वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनल सर्किल हमें दिखता कैसे है। तो ये आप मैप एक देख सकते हैं जो कि यूएस का है, 1999 कैपिटल पॉपुलेशन दिखा रहा है, इसमें कि अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो राज्य हैं उनके, तो वहां पे जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के नंबर के आधार पर वो क्या है, सर्किल को बनाया गया है। तो जहां पे हमें बड़ा सर्किल या बड़ा वृत्त दिख रहा है तो वहां पे मतलब जनसंख्या हमारी अधिक है, और जहां पे हमें छोटे वृत्त या छोटे सर्किल दिख रहे हैं वहां पे हमारी जनसंख्या कम है, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा डिटेल में इसके हम और भी जानेंगे कि इसको बनाने का फायदा क्या चीज है या क्या क्या हमारे मेजर एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज ये चीज है कि डिस्प्ले रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस ऑफ डेटा, या अलग अलग प्रकार के डेटा को, अलग अलग आयाम के डेटा को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि सर्कल का जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो क्वांटिटी जो दर्शाई जा रही है उसके साथ में, मतलब कि अगर क्वांटिटी का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जनसंख्या अगर किसी अलग अलग शहरों की, महानगरों की जनसंख्या अगर अलग अलग है तो हमारे सर्किल का साइज सेम नहीं रहेगा, सर्किल का साइज भी उस हिसाब से ही बढ़ता जाएगा। और इसको प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ही यही है कि अगर एक खास शहर की जनसंख्या को अगर हम खास वृत्त से दिखा रहे हैं, अगर उसका कोई रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, अगर दूसरी हमारी शहर है या महानगर है और उसकी जनसंख्या अगर उसकी 2 गुनी है तो हमारा यहाँ पे रेडियस है वो भी अनुपात में बढ़ेगा। तो पहले वाले सर्किल का अगर रेडियस या हमारा त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर थी तो जनसंख्या डबल होने पे त्रिज्या का आकार भी वो 1 सेंटीमीटर से बढ़कर 2 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोपोर्शन में बढ़ता है या अनुपात के रूप में बढ़ता है। तीसरा जो हमें बेनिफिट नजर वो ये आता है कि ये बहुत बड़े लार्ज जो डेटा सेट है इसको एक विजुअल फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस मैप के अंदर में देखें तो मैप को देखने से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या और कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। तो अगर इस नक्शे को देखें तो ये समझ सकते हैं कि जो हमारे जो छोटे नगर है, ठीक है, वो हमारे पूर्वी तट की तरफ में अधिक है हमारे,
और महानगर जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा में सबसे अधिक या सबसे बड़े महानगर हमें इस दिशा में दिखते हैं। तो मतलब एक समग्र रूप के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो सर्कल का साइज अलग अलग है उससे हम जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड वे ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज आती है इसके अंदर में कि अन्य ग्राफ की तुलनात्मक में ये वृत्त का जो सर्किल है ये थोड़ा सा सिंपल है। साथ साथ में क्या चीज है, इसमें कैलकुलेशन जो है उसकी एक एक्यूरेसी है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी सर्किल बनाए जा रहे हैं वो किसी भी प्रारूप में है, ऐसा नहीं है। इनको बनाने की एक विधि है और एक सर्किल का दूसरे सर्किल के साथ में एक रिलेशन है, एक प्रोपोर्शन है या अनुपात है। अगर वृत्त का साइज दोगुना होता जा रहा है तो तात्पर्य है कि जनसंख्या भी वहां की दोगुनी होती चली जा रही है, या जिस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्वांटिटी भी हमारी डबल हो जाएगी। एंड लास्ट में क्या चीज है, इट रिक्वायर्स मिनिमम एडिशनल एक्सप्लेनेशन, दैट मींस डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आंकड़े अपने आप अपना विवरण खुद देते हैं, या मैप अपने आप के बारे में जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद देता है। जैसे ये नक्शा है तो ये अपने बारे में खुद सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहां सबसे बड़े महानगर वो कहाँ पे है। तो तट के साथ में लगते पड़े जो सबसे बड़े महानगर नहीं, वो छोटे शहर है, वहां पे जनसंख्या भी हमारी कम है, ठीक है। जो बड़े शहर है वो हमारा उत्तर पूर्वी और हमारा साउथ वेस्ट रीजन है, उसमें हमको ज्यादा दिख रहा है। अब आता है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि इसके पीछे की फिलॉसफी कैसी है, मीन्स इसको बनाने का मेथड क्या है, ठीक है, क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जनसंख्या को हम किसी एक सर्किल के एरिया के साथ में कोरिलेट किया जा सकता है। तो पहले सिंपल सी थोड़ी बातों को जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एरिया ऑफ ए सर्किल या किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुना त्रिज्या का जो स्क्वायर है उसको हम उससे निकाल देते हैं। अब हमारा एजम्पशन क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि सर्किल का जो क्षेत्रफल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी एक खास पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस को, किसी एक खास जगह की जनसंख्या को दर्शा रहा है। तो क्या इस जो हमारा पॉइंट है इसमें हम ये लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर वो हो गया हमारा सर्किल का रेडियस, सॉरी मतलब की एरिया ऑफ ए सर्किल, और हमारा पी जो है वो उस शहर की जनसंख्या को वो हमारा दर्शा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज अब हम इसको कोरिलेट करते हैं, तो सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि आर स्क्वायर को यहाँ रखा गया तो पाई यहाँ से ये पी भागा पाई आ गया है यहाँ पे, और आर स्क्वायर का स्क्वायर अगर इधर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो हमारा जो एक रेडियस किसी सर्किल का होगा वो क्या होगा, कितने यूनिट्स होगा, तो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन भागा पाई और उसका अंडर रूट। जैसे कि अब हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बिहार के दो शहरों का हमने आंकड़े ले लिया, मतलब कि जनसंख्या को ले लिया है। तो पहला शहर है हमारा बिहार का जैसे कि शेखपुरा। अब शेखपुरा की आबादी हमारी है 636,342 व्यक्ति। अब अगर हमको इसका रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पाई और उसका पूरा का सारा आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 636342, ये जो 636,342 भागा पाई की वैल्यू जो 3.14 है उससे भाग देंगे और जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या निकलेगा, 450.17 यूनिट। तो हमारा रेडियस वन जो है उसकी हमारी कितना अनुपात क्या निकलेगा, वो 450.17 का निकलेगा, कि हम कह सकते हैं इतने यूनिट्स होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 450.17 यूनिट है इसको हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के इसको हम रेडियस से दर्शाएंगे, ये हमारा अनुमान है, ठीक है। हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन निकला है 450.17 यूनिट्स है। अब हम चाहें तो रेडियस 450.17 का भी सेंटीमीटर का रेडियस बना सकते हैं, या हम एमएम के रेडियस से भी बना सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, ताकि नक्शे का आकार जो है वो हमारा बहुत बड़ा ना बन जाए तो उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, 450.17 को हमने बना दिया है 1 सेंटीमीटर में। वैसे ही दरभंगा की आबादी देख रहे हैं तो वो हमारी निकल रही है 39,37,385। अब इसको वही फॉर्मूला पहले लगा दिया गया, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन भागा पाई,
तो हमारा वो निकलता है, इसको यहाँ पर मैं दिया, तो वो निकलता है 1119.80 यूनिट। अब आ रहा है कि जब हमें 450.17 यूनिट को अगर हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है तो हमारा 1119.80 यूनिट कितने सेंटीमीटर होंगे। इसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे देखेंगे 450.17 यूनिट को अगर हमने 1 सेंटीमीटर माना है, मतलब कि 1 यूनिट बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर भागा ये 450, इसके इधर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर भागा 450.17, तो ये हमारा 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब R2 का मैं क्या था, R2 में हमारे यूनिट कितने निकले थे 119 यूनिट, तो हमारे सेकंड वाले का रेडियस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पहला वाला जो था 1/450 × 1119.80, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 2.49 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि अगर शेखपुरा जिसकी आबादी 636,342 थी, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं किसी वृत्त की सहायता से, तो अगर हम उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जा रहा है इसके सर्किल के माध्यम से, तो दरभंगा की आबादी जो 39,37,000 है तो वो कितने सेंटीमीटर से दर्शाई जाएगी, वो दर्शाया जाएगा हमारा 2.49 सेंटीमीटर से। यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे जितने शहर हैं सबका हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका एक हम अलग अलग प्रोपोर्शनल सर्कल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक मैप देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरोप के अंदर में एक नक्शा बनाया गया था जिसमें कि रोड एक्सीडेंट के अंदर में मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लोगों की संख्या के अनुसार जो अनुपात बनाया गया और वहां पे उसको अलग अलग सर्कल से दिखाया गया, तो देख सकते हैं कि हमारे सबसे अधिक मृत्यु कहाँ हुई, तो वो इन शहरों में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और जो कम इंसिडेंसेस हुए वो धीरे धीरे यहाँ पे हमको रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, हम सर्किल के अंदर में सर्किल इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सबसे छोटा जो है सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे 100 व्यक्ति मरे होंगे, बड़ा सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 व्यक्ति मरे, उससे बड़ा जो है वो हमारा 4000। तो ये रेडियस के अनुसार हमारा धीरे धीरे सर्किल का साइज या कह सकते हैं त्रिज्या के आकार के अनुसार ये साइज इसका बढ़ता चला जाता है और इसको हम एक लेजेंड के तौर में इसको जान सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को जानते हैं कि एक्सेल शीट के अंदर में हम कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आप मैप मेरे पास में एक ये डेटा है, ठीक है, जो कि एक मैंने सेंसस ऑफ इंडिया से इस डेटा को लिया है, तो यहाँ पे ये बिहार राज्य का है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का आंकड़े हैं सारे, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, ठीक है, तो यहाँ से मैं काउंट करके आपको दिखा दूँ नीचे तक, ठीक है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स का काउंट दिखा रहा है, मतलब कि बिहार में कुल जो है पूरे 38 जिले हैं, तो उनका सबका नाम अलग 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 यहाँ पे लिखा गया। मैंने यहाँ पे औरंगाबाद के बगल में अलग से बिहार लिखा है क्योंकि एक औरंगाबाद हमारा महाराष्ट्र में भी है, तो अक्सर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, जब नेट पे जाते हैं तो वो फर्स्ट वहीं से पिक करता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे कैसे। तो ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का हमने कॉलम बना दिया यहाँ पे, सेकंड कॉलम जो हमारा वो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन, तो जो जनसंख्या थी वहां पे हमने इसको जनसंख्या को यहाँ पे इसके साथ में लिख दिया है, तो जनसंख्या हमारी अधिकतम जो है वो पटना शहर की जो हमारी 58,38,465 है और न्यूनतम जो है हमारी वो शेखपुरा की है जो कि हमारा 6,36,000 के आसपास में है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी जान सकते हैं अगर हम चाहें तो, एक्सेल के अंदर में भी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिख सकते हैं SQRT जो कि स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है आपको, वो जनसंख्या का, ठीक है, भागा पाई की वैल्यू कितनी 3.14, ठीक है, तो ये हमारे इसमें निकल आएगा यूनिट्स कितने हुए, तो हमारे वो यूनिट निकल के आते हैं 450.17। हम यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे तो अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके कितने कितने यूनिट्स होंगे वो कैलकुलेट हो जाएंगे रेडियस के। अब हमने क्या करना है, जैसा हमने पहले ही जाना था कि अगर 450.17 यूनिट को अगर मैं 1 सेंटीमीटर मान लूं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का अगर हम रेडियस बनाते हैं, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं, अगर इस 450 यूनिट के जो रेडियस था उसको मैं अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो वो लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, 1/भागा, आप यहां देख सकते हैं फॉर्म में भागा 400.17,
तो वो हमारा निकलता है 0.0022। ठीक है, इस वैल्यू को हम कॉपी कर देते क्योंकि हमारी ये एक मिनट की कॉपी, इसको पेस्ट कर देते यहाँ वैल्यू को। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा नीचे तक ड्रैग करने पे यही वैल्यू सब एक यूनिट की आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबका एडजस्टेड रेडियस निकालना है। अगर हमने शेखपुरा के लिए एक सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है तो शिवहर की जो बनाएंगे सर्किल या वृत्त बनाएंगे तो उसका रेडियस या उसका त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, वो क्या होगा उसका फॉर्मूला, वो हम लिखेंगे ऐसे, इज इक्वल टू यस मल्टीप्लाई जो एक यूनिट की वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाई 457.16, तो वो हमारा हो जाएगा 1.02 सेंटीमीटर का हमारा वो रेडियस बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें सारे के सारे अलग अलग रेडियस हैं वो इजी फॉर्म में कैलकुलेट होते दिख जाएंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल जो हमारा वो बनेगा पटना का, जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा, और सबसे स्मॉल क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा आबादी भी आपकी 58 लाख के आसपास में है, और सबसे छोटा जो हमें दिखेगा वो हमारा में दिखेगा रेडियस जो है हमारा दिखेगा वो शेखपुरा का, जो इसका एरिया कैलकुलेट होगा वो हमारा जो है 6,36,000 का, वो सबसे स्मॉलेस्ट हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सिंबल्स का कैलकुलेशन कर लिया। हमारे पास में एक्सेल के अंदर में अब जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है, उसके अंदर में क्या देख सकते हैं हम, ठीक है, कि इन सारी चीजों का कैलकुलेशन हम ओपन मैप्स के थ्रू या 3D मैप्स की सहायता से भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे एक स्टार्टिंग में आपको इनिशियली समझाने के लिए कह दिया था कि अगर रेडियस का साइज डबल हो रहा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डबल होगी, जरूरी नहीं है, ठीक है, वहां पे असल में एरिया इसका डबल होना चाहिए, ठीक है, एरिया अगर डबल हो रहा है मतलब कि पॉपुलेशन भी आपकी डबल होती चली जाएगी। रेडियस से कनेक्शन तात्पर्य नहीं था, तात्पर्य वहां पे था एरिया से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन को हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट्स है और उसकी पॉपुलेशन है। अब हम इसको एक्सेल में विदाउट ऑल दीज कैलकुलेशन हाउ वी कैन मेक ए वेरी सिंपल मैप इन एक्सेल। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में हमारा आता है 3D मैप्स, हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, यहां पे आएगा ओपन 3D मैप्स। लेट्स वेट फॉर दिस, ये कुछ मैप्स मैंने पहले बनाए हुए थे, अभी मैं एक न्यू टूर शुरू करूंगा जिसमें कि आपके सामने बना के दिखाऊंगा अलग अलग मैप्स को। ओके, तो हमारे पास में ये आ गया लोकेशन, ओके, व्हाट वी विल डू इज हम यहां से लोकेशन चूज करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स, ये हमारे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हमें अब शो हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम थे तो इंटरनेट कनेक्शन आपका नेट पे अच्छा है तो ये सारे के सारे जो सिटीज के नाम है वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाते हैं हमारे 3D मैप्स के अंदर में, एक्सेल के अंदर में। तो हमारे पास में एक लेयर एड हो गई है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइज ये स्क्वायर का शो कर रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से थर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे, दैट इज हमारा जो सर्किल्स का है। ओके, हम क्या क्या करेंगे, साइज अलग अलग साइज से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे फील्ड को, दैट विल बी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के आधार पर अब यहाँ पे एक लेजेंड भी आ गया है, तो फिलहाल इसको रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब लेजेंड के आधार पे अलग अलग सर्किल्स बन गए। अब चूंकि सर्किल का साइज बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा सर्किल के साइज को हम छोटा करते हैं। अब आप यूं देख सकते हैं कि अलग अलग सर्किल्स के अनुपात में जनसंख्या के अनुसार जो है हर एक सर्किल का साइज अलग अलग हो गया है, जो अनुपात जो है उनका वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बड़े शहर आपको यहाँ यहाँ दिख रहे हैं, ये हमारा पटना शहर जो सबसे बड़ा शहर दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको और कैसे जान सकते हैं, हमारे पास बेटर रहेगा कि एक लेयर हम ऑड ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी हमारी बढ़ सके। फर्स्ट ऐड फिर लोकेशन के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, एंड हम इसमें लास्ट वाले में आएंगे चेंज द विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आने से क्या आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाता है बिहार का, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपको क्लियर एंड शार्प दिखनी अब शुरू हो जाएगी, दिख रही है इनफैक्ट ऐसे। अब आप इसका चाहें तो थोड़ा बहुत कलर भी चेंज कर सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज में आके, यहां से चाहें तो आप इसका रंग कुछ मे बी लाइट ब्लू आप कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसमें येलो शेड कुछ दे सकते हैं, मे बी सम वॉट, ओके आई विल चूज नॉट दिस कलर बट सम वॉट मैं येलो चूज कर सकता हूँ, नहीं इवन दिस इज नॉट लुकिंग गुड, ओके दिस इज फाइन, ठीक है।
मैं ओपेसिटी भी इसकी थोड़ी की पारदर्शिता को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ताकि पीछे के जो कई शहरों के नाम है वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है मैप सिंबल्स, आई विल ऐड दैट थिंग। तो क्या नीचे में मुझे जो सिंबल्स के शहरों के नाम है वो भी दिखने मुझे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देख सकते हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज है कि ये दिस इज जो ग्लोब के सरफेस पे मैप है। जब हम मैप को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए फ्लैट मैप। तो हमारा फ्लैट मैप कुछ अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो एक ब्लूइश बाउंड्री दिख रही है क्लियर बैकग्राउंड में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको अलग अलग शहरों के नाम दिख रहे हैं, लेबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं लेयर वन में। लेयर वन के अंदर में आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या है, और तो आप यहाँ से सिंबल्स के अपने जो है अलग अलग उनके आप जो इनके सिंबल्स जो सर्कल से हमारे वृत्त है, ठीक है, उनके कलर को आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट इन टू रेड और मे बी अनदर थिंग, ठीक है। ज्योग्राफी इज एक्चुअली एन आर्ट, जो भूगोल है हमारा वो आर्ट भी और साइंस भी है, या कहें साइंस भी और आर्ट भी है। तो आर्ट के अंदर में आपको अपना आर्टिस्टिक फॉर्म दिखाना, अब जरूरी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल ब्लैक कलर को ही हमेशा इस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अप टू योर चॉइस कि आप उसको कैसा बनाना चाह रहे हैं, एंड यू कैन कन्वर्ट इट्स ओपेसिटी कि आप उसको कितनी पारदर्शिता रखना चाह रहे हैं, कितना डार्क करना चाह रहे हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। आप चाहें तो साथ साथ में अपनी करंट थीम को लॉक भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जो भी मैप्स अपने बनाए तो उसको आप एज इट इज रिटेन कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि हम जो मैप हमारा बन गया इसमें हम अलग अलग थीम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थीम ये था, हम कुछ थीम अपनी इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं जिसमें कि हमें पीछे बहुत सारा खूबसूरत डिजिटल एलिवेशन मॉडल प्रोफाइल जो है वो हमें क्लियर दिख रही है, अलग अलग रिवर चैनल्स की जो हमारी साइड में कोसी आ रही है उसका दिख रहा है, गंगा फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, गंडक हमें दिख रही है यहाँ से हमें बहुत अच्छी, फाल्गु नदी का भी चैनल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी नदियां जो आपको इजिली दिख सकती हैं, आपको जो क्लियर है आपको बोथ गंगा बेसिन के नॉर्दर्न फोरलैंड एंड साउथ बेसिन जो है दोनों साइड का दिख रहा है। इवन दिस थिंग और कुछ आप इस प्रकार से चूज कर सकते हैं, मे बी दिस, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कैसा मैप को इंटरेक्टिव या दिखाना चाह रहे हैं। तो इवन ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। डिपेंड्स अगर आप किसी कॉन्फ्रेंसेज में या सेमिनार में जा रहे हैं और मेकिंग ए प्रेजेंटेशन फॉर योर रिसर्च फोरम, ये मैप्स दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल मैप्स, ठीक है। तो ये आप सीन्स के अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, थीम्स उसके साथ में एनीथिंग, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर चॉइस। सो अभी के लिए प्रेफरली मैं चूज कर रहा हूँ सिंपल सा, दैट इज डिजिटल एलिवेशन मॉडल, या इवन आई विल गो फॉर द वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। मैं यहां से भी कर सकता हूँ, दिस इज नॉट लुकिंग बेटर, ओके, दिस लुक्स एंड मच बेटर। अब हम देख के आ सकते हैं कि यहाँ पे अब जितने भी सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, अब ये रैंडमली नहीं बने हुए हैं। तो हमारा जो पॉपुलेशन का साइज था, इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ पे साइज के अंदर में पॉपुलेशन फील्ड को डाला है। नाउ इट हैज ड्रॉन ऑटोमेटिकली, अलग अलग शहरों पे आप चले जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो सीतामढ़ी पॉपुलेशन दिख रहा है आपको, वैल्यू शो रहेगा 34,23,23,574 वो दिखेगा। पटना जो हमने पहले देखा था 58 लाख का, तो वो वैल्यू आपको फिगर यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड ये हमारा दरभंगा, तो हमारा 39,37,385 ये पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार। तो ये बहुत इंटरेक्टिव मैप है और अलग अलग सर्किल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। अदर गुड थिंग इज हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक अपना हेडिंग भी डाल सकते हैं, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स के आप क्लिक करेंगे तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट अ हेडिंग लाइक दिस। मे बी मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड में राइट कर लेता हूँ, बिहार, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट आई कैन राइट इज पॉपुलेशन साइज, या आप कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मैं फिलहाल बिहार, ठीक है, मैं प्रोपोर्शनल फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल सर्किल्स का हम बना रहे हैं, दैट इज ओके प्रोपोर्शनल सर्किल्स। तो ये मैंने बना लिया है कि आप यहाँ से इसको इजीली चूज कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन दैट इज मोर स्टैंडर्ड वन, हम वही चूज कर रहे हैं। साइज इज ओके, वी कैन क्रिएट इट, वी कैन मेक इट बोल्ड, यू कैन पुट अनदर कलर्स लाइक दिस वन, ठीक है। आप चाहें तो रेड या मे बी ग्रीन बैकग्राउंड पे येलो भी चलेगा, ठीक है, वी कैन क्रिएट दिस थिंग। अब आप इसको यहाँ ऐसे ऐड कर सकते हैं, यू कैन शेप दिस फीचर लाइक दिस,
लेके आप चाहें तो मैप को भी नीचे थोड़ा सा कर सकते हैं एंड या ओके या दिस लुक्स मच बेटर. इट्स एक्चुअली योर चॉइस कि आप कौन से कलर्स को चूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करके आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट लिटिल बिट ऑफ साइज 28 एंड मे बी आई कैन चूज अ वेरी फ्लोरेसेंट कलर. हाउ डस दिस लुक? ओके, नाउ यू हैव टू चूज समथिंग वेरी व्हाइटिश कलर दैट इज ब्राइट. ओके, दिस विल गो. This looks good. Okay. We have proportional circles. अब ये तो एक हो गया जिसमें कि सर्किल से कर रहे हैं. कई बार हम पॉपुलेशन में किसी और क्वांटिटी को दिखाना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली फर्स्ट वी वर्ट ओके वट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस. ठीक है, ताकि इसको हम कहीं पेस्ट कर सकते हैं. वट आई विल डू इज डायरेक्टली मूव टू दिस कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन जहां पर लिखा है कैप्चर स्क्रीन. हम इसको क्लिक करेंगे सिंपली. यहां पर हमारा कैप्चर हो गया है. फिर डायरेक्टली गो टू वर्ड डॉक्यूमेंट और यहां पर जाके हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दे रहे हैं. तो आप देख सकते हैं सिंपली हमारा मैप जो हमने वहां बनाया था वो इजीली हमारा यहाँ पे डायरेक्टली हमारा इंपोर्ट हो गया. आप इसके नीचे चार्ट बनाइए चाहे जैसा करिए. इट इज कम्प्लीटली इन जेपेग फॉर्मेट. आप इसको रीसाइज करना चाहें तो फॉर्मेट के अंदर में जाके आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, एंड आप चाहें तो नीचे से कॉपीराइट सोर्स वो सब नहीं इंक्लूड करना चाहें तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं. अगर डिटेल्स आप हाइड करना चाह रहे हैं तो यू कैन सिंपली डू दिस थिंग. एंड ये हमारा मैप इस ढंग से क्रॉप हो गया है. And this is actually ready for use or representing any kind of other thing. तो ये हमारा बहुत सिंपल सा हो गया है. अदर थिंग जो मैं बताना चाह रहा था कि कई बार हम डेटा को जरूरी नहीं है प्रोपोर्शन सर्किल से. आप कुछ और मैप भी बना रहे हैं तो आप उसको अदर वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सच एज हम यहाँ पे बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी दिस इज लेयर टू. आई विल गो विद दिस वन. आई विल कम टू लेयर वन. समथिंग लाइक दिस वन. ठीक है, अब ये बार से हो गया है. वॉट विल डू इज we'll try to bring this into a 3D format. Okay? अब आप यूं देख सकते हैं कि अलग अलग सिटीज का बार ग्राफ के जैसे साइज क्या क्या है. तो मुझे लग रहा है कि यह ओके साइज. अब शहर कौन कौन से बड़े हैं कैसे नहीं है. कम आबादी वाले क्षेत्र देख सकते हैं साउथ वाले. साउथ बिहार का जितना शहर है क्योंकि ये हिली एरिया है थोड़ा सा कैमूर का रीजन खासकर यहाँ पे या भभुआ जिसको कहते थे पहले वो रीजन है हमारा. ठीक है, इनफैक्ट साउथ का गया का रीजन तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है तो वहां पे पॉपुलेशन हमारी थोड़ी सी कम है तो साइज आपको कम दिख रहा है. मैक्सिमम जो साइज है हमारा जो हाईएस्ट है डेंसिटी या पॉपुलेशन भी क्या है या मैक्सिमम नंबर टोटल पॉपुलेशन वो हमारी गंगा के आसपास में है तो वो आप देख सकते हैं इस वैली के आसपास में या फिर नदन बिहार में. तो यू कैन हैव ए कंपैरेटिव लुक ऑल्सो ऑफ सो मैनी प्लेसेस. तो ये बहुत अच्छा एक विजुअल प्रेजेंटेशन आता है. यू कैन मेक दिस और डायरेक्टली कम टू दिस एंड समटाइम्स एंड बिफोर वी कैन मेक अ हीट मैप ऑफ ऑल डिफरेंट फीचर्स. अब हीट मैप दैट इज वो अलग स्कोप में आ जाता है सब्जेक्ट के. वी विल ट्राई टू डू इट इन सम अदर क्लास. ठीक है, बट देर इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग्स और एल्स दिस इज काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल सर्किल्स. प्रोपोर्शनल सर्किल्स का साइज क्या होना चाहिए. ठीक है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है आपको मैप पे कैसा चाहिए. ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यहां से साइज को मॉनिटर कर सकते हैं. अगर आपका बहुत कोई छोटा क्लोज एरिया है फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स है यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द सर्किल्स और एल्स यू कैन रिड्यूस इट. बट ये जितने भी साइज इनके बढ़ेंगे तो ख्याल रखना एक चीज. ठीक है, एक सर्किल दूसरे सर्किल से ओवरलैप नहीं करे. दे ऑल आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर. ये ऐसा होना चाहिए. एंड अनदर थिंग इज कि एक सर्किल दूसरे सर्किल से टच नहीं हो रहा हो. ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा हो एंड बहुत क्लियर नजर आ और विद इन बाउंड्री उसके अंदर में फॉल कर रहे हो सो दैट ताकि जो कंपैरिजन है वो हमारा इजी हो सके. ये आइडेंटिफाई कर सके बड़े सर्किल कहाँ पे हैं छोटे सर्किल हमारे कहाँ पे हैं. तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू. ठीक है, आप इसको जो मैप हमने स्क्रीन शॉट लिया था आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. मे बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट मे बी इन MS Excel, MS PowerPoint or maybe MS Excel also and utilize it as JPEG for your own purposes. Thank you everybody.